हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। हमने पहले ही बोला था बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथ नियम और एक दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। ये तीन टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये तो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि एम्पियर का परिपथ नियम। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूरे 5 नंबर में पूछता है, ठीक, इसलिए इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो टॉपिक है कि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, ठीक, दो समांतर आपको धारावाही चालक तार दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, और इन्हीं के बीच कितना बल लगेगा इसके लिए हमें क्या करना है, व्यंजक निकालना है, ठीक। तो यहां पर बच्चों हमने दो समांतर धारावाही तार पी क्यू तथा आर एस मान लिया है, ठीक, और मान लिया है कि इनमें धारा I1 I2 बह रही है और ये एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना बल लगेगा वो चीज हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे रसगुल्लों वो देख लेते हैं कि माना दो समांतर, समांतर का मतलब समान अंतर, ठीक, समान दूरी पर क्या है, रखे हुए हैं और सीधे तार हैं। तो वही कह रहा है कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार पी क्यू, ये मान लिया हमने बच्चों पी क्यू तथा आर एस परस्पर क्या है रसगुल्लों, आर दूरी पर रखे हैं, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर, आर दूरी पर रखे हैं और जब इनमें धारा प्रवाहित करते हैं, यानी इन दोनों तारों में जब धारा प्रवाहित करी की जाती है बच्चों, तब ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। मतलब जब इस तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके कारण, यानी इन दोनों तारों के कारण क्या बल उत्पन्न होगा, यानी एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब देखिए बल कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा, पहले वो समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जब भी धारा समान दिशा में होगी, ध्यान से सुनना रसगुल्लों, ये आप लिख सकते हैं इसके बाद कि जब दोनों तार में धारा की दिशा समान होगी, आप देख रहे हैं I1 धारा भी ऊपर की ओर, I2 धारा भी ऊपर की ओर, तो जब तार में धारा समान दिशा में, एक ही दिशा में धारा बहेगी बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में इनके बीच जो बल उत्पन्न होगा वो क्या होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होगा, यानी अंदर की ओर बल लगेगा, ठीक। और जब बच्चों विपरीत दिशा में धारा बहेगी, लाइक दैट, जैसे इसको हम बना देते हैं इस तरह से, ठीक, यानी एक में धारा ऊपर और एक में धारा नीचे, ये I1 और ये I2, देन ऐसी सिचुएशन में बच्चों इनमें जो बल लगेगा, इनमें जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। दूरी यहां पर R है, ठीक, तो समझ गए बात, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों कि जब क्या होगी, धारा समान दिशा में होगी, एक ही दिशा में होगी, तो इन तारों के बीच आकर्षण बल लगेगा, ठीक। और जब तार में धारा विपरीत दिशा में, यानी एक धारा ऊपर जा रही है दूसरी धारा नीचे आ रही है, ऐसी सिचुएशन में रसगुल्लों क्या लगेगा, प्रतिकर्षण यानी बाहर की ओर बल आरोपित होगा, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस तार के कारण हमें पता है कि किसी धारावाही चालक तार में जब क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ये तार है रसगुल्लों, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, इतनी बात तो हम सबको पता है। तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो इस धारा यानी I1 के कारण इस तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वही चीज हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बच्चों कि तार, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन तो लेना ही नहीं है। तार पी क्यू की धारा, धारा के कारण, धारा क्या है I1 है, के कारण RS के किसी बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, B बराबर, ठीक है ना। तो यहां से B ना के B1 निकाल लेते हैं, B1 बराबर एक म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R होता है, यानी I1 के कारण है तो I1 लिख दिए, I अपॉन R होता है, I1 अपॉन R। तो ये हो गया, यानी इस तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इस वाली तार में धारा के कारण इस RS तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R फार्मूला होता है बच्चों। तो यहां इसके कारण I1 के कारण था इसलिए I1 हो गया और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा। अब चूंकि RS में जो धारा है वो I2 है, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम आरएस की एल लंबाई पर कितना बल निकलेगा वो निकालेंगे, ठीक। तो यहां से लिखेंगे बच्चों, तार, ध्यान से समझना रसगुल्लों, तार आरएस की एल मीटर, एल या मीटर छोड़िए, एल लंबाई पर, एल लंबाई पर बल, कितना बल आरोपित होगा बच्चों वो निकालेंगे, ठीक। तो यहां से लिखेंगे F बराबर, फार्मूला होता है I B L साइन थीटा, F बराबर I B L साइन थीटा। चूंकि दूसरे तार RS की बात हो रही है तो यहां से I के स्थान पे I2 हो जाएगा भाई, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था B1 है और L साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, चूंकि ठीक थीटा बराबर 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि जो तार है वो कागज के तल के लंबवत है, ठीक, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ये बल हो जाएगा आपका F बराबर I2 हुआ और B1 के स्थान पे बच्चों ये वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, ठीक। ये मत सोचना कहां से आया, इसको हमने ऑलरेडी भी करा दिया है कि किसी मतलब रिजरेखी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक, इसलिए ये चीज आया तो हमने यहां वैल्यू रख दिया। अब उसके बाद ये L है, फिर रखेंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से मतलब हम इसको क्या करते हैं, जो इधर उधर फैला है मिला देते हैं, ठीक। तो यहां से हो जाएगा F बराबर हो जाएगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन कितना बच्चों, R हो गया और यहां से ये L बचा है, ठीक, क्यों, चूंकि जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना, एक होता है। अब हम निकालेंगे बच्चों की तार, तार आरएस की प्रति मीटर लंबाई पर बल, तो प्रति मीटर लंबाई पर जब बल निकालेंगे तो इसी फार्मूले को थोड़ा हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे बच्चों, F अपॉन L हो जाएगा प्रति मीटर लंबाई, यानी इसको यहां लाए और उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ठीक, I1 I2 अपॉन R, और यही क्या हो जाता है बच्चों, बल के लिए व्यंजक, यानी दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल ये हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है रसगुल्लों, वो ये रखना है कि यदि तार में समान धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी यदि क्या करेंगे हम I1 बराबर I2 बराबर केवल I रख दें, ठीक, यानी समान धारा बह रही हो, ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला आपका F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R बन जाता है, ठीक, I स्क्वायर इसलिए क्योंकि I1 के स्थान पर I, I2 के स्थान पे I, तो भाई ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, ठीक। तो ये जब दोनों तार में समान धारा बह रही हो तो ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला आपका हो जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।